आज जिला कांग्रेस भवन से भाजपा सरकार के द्वारा किए गए घोटाले व भ्रष्टाचार को लेकर प्रतीकात्मक बारात निकाली गई। कांग्रेस नेता एजाज ढेबर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गरीबों के खाते में 15 लाख आएंगे, वह तो आया ही नहीं और विदेश से काला धन लाने की बात कही थी, वह भी नहीं आया। ये मोदी के भ्रष्टाचार की परत जा रही है। कितने आदमी थे? एक घोटाले की बारात उसे उसमें हमने एक प्रतीकात्मक रूप में हम लोग निकाले। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, आज तक जनता उसका इंतजार कर रही है। फिर उन्होंने कहा था कि काला धन हम वापस लाएंगे, काला धन तो वापस नहीं आया, बल्कि हमारे यहाँ का जो धन है वो यहाँ के लुटेरे नीरव मोदी, आपका मेहुल चौकसे, आपका ललित मोदी, ये उल्टा सब उठा के ले गए। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, किसी भी आज तक के पूरे देश में किसी को रोजगार नहीं दिया गया। तो इस तरह के जो टोटल जो जुमलेबाज जो प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ आज हम लोग एक घोटालों की बारात के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में आज हम लोग यहाँ से निकाल रहे थे। और जिसमें आज हमारे बीच में पूरे तीनों हमारे विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, कुलदीप जोनी जी, विकास उपाध्याय जी और हमारे सब पार्षद लोग भी सभी के साथ। क्या खासियत है इस बारात की? इस बार ये बारात थोड़ा सा नए टाइप की है, क्योंकि इसमें हम लोग ने जो 15 लाख का चेक था वो हम लोग रखे हैं। जीएसटी के रूप में हम लोग गब्बर सिंह टैक्स जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो हमने रखा है। तो और जैसे बोले चौकीदार चोर है, तो हमने चौकीदार को भी आगे हमने रखा हुआ है, जो चौकीदार चोर है उसको भी हमने प्रतीकात्मक रूप में हमने रखा हुआ है। For more information, log on to www.clips.in.